गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या बताऊंगी, पॉइजन एंड नॉन पॉइजन स्नैक के बारे में बता दूँ। क्यों, हालांकि इसके पहले मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, बट अब मैं आपको ओरल बता रही हूँ। उसमें पूरा मैंने डायग्राम से बताया था आपको। क्या होता है कि ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्नैक जिसका शरीर लंबा होता है एंड क्या होता है, लिम्बलेस होता है। लिम्ब मीन्स क्या होते हैं, पैर विहीन होता है। संसार की एक विशिष्ट प्रकार का जंतु समूह में निरूपित करता है, ठीक है। ये साथ केवल भारत में 7,000 से लेकर 12,000 मौतें प्रति वर्ष किससे होती है, स्नैक बाइट से होती हैं, सांप के काटने से होती है। समस्त सर्पों में केवल 23% से 33% सर्प क्या होते हैं, विषैले होते हैं। परंतु ये देखा गया है कि सर्प दंश से मरने वालों की अधिकांश लोग विषहीन सर्प के काटने से भय के कारण मर जाते हैं। वो जहरीला नहीं होता है फिर भी लोग उसके भय से मर जाते हैं कि हमें सांप ने काटा और उनको अटैक वगैरह आ जाता है, ओके। क्योंकि विषैले और विषहीन सर्पों की पहचान नहीं होती है, अतः लोगों को पहचानने में कठिनाई जाती है, ओके। देन इसके बाद भारत में पाए जाने वाले नॉन पॉइजन स्नैक या विषहीन सर्प जो होते हैं उनको 330 जाति, भारत में इनकी 330 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें 69 जातियां पॉइजन या विषैली होती हैं। देन 69 विषैली जातियों में 29 जो होते हैं समुद्री सांप होते हैं तथा 40 जो होते हैं स्थलीय सांप होते हैं। प्रत्येक पॉइजन सर्प जो होता है उसमें फंग पाया जाता है, उसके दांत को क्या कहते हैं, फंग कहते हैं। जब किसी को काटता है तो विक्टम, जिसे हम वीम, विक्टम मीन्स जहर, त्वचा तथा फैंग द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। भारत में पाए जाने वाले विषैले सर्प जो होते हैं कोबरा, क्रैट, बाइपिट वाइपर, वाइपर, देन सी स्नैक जो होते हैं, पूंछ साइज तथा स्केल्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें पहचान सकते हैं कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस स्नैक है, ओके। तो आपको डिफरेंट भी पूछ सकता है कि विषैले और विषैलस विषहीन सर्प में अंतर बताएं। तो सबसे पहले अपन टेल में जाते हैं, पूंछ। देखिए जो विषैला सर्प जो होता है उसकी जो पूंछ होती है, विशेषता प्रकृति और सांप लिख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो यदि पूंछ पतवार के समान है तो वो समुद्री हो सकता है, क्योंकि पतवार के समान तो हाइड्रोफोसिस भी कह सकते हैं। यदि बेलनाकार और नुकुली पूंछ है तो वो स्थलीय हो सकता है, यानी उसे स्थलचर सर्प कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विषैले और विषहीन दोनों हो सकता है पूंछ के अकॉर्डिंग टू टेल। तो पतवार के समान भी टेल हो सकती है और किसके समान हो सकती है, मोटी नुकीली बेलनाकार भी होती, दोनों टाइप की होती है। तो यदि स्थलीय सांप है तो उसकी पूंछ कैसी होगी, गोल नुकीली होगी। यदि पतवार के समान है तो वो सी स्नैक कहलाता है। दोनों सिम्टम इसमें पॉइजन एंड नॉन पॉइजन दोनों हो सकता है। इसके बाद होता जो स्केल्स पाए जाते हैं शरीर में, त्वचा में छोटे तंतु स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो विषहीन हो सकता है। कम चौड़े तथा पूर्व वेंट्रल टाइप के स्केल पाए जाते हैं तो भी ये विषहीन हो सकता है, और इसका उदाहरण है अजगर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि सिर की आकृति, जो इसका हेड साइज होता है, स्नैक का हेड साइज जो होता है, यदि हेड साइज में क्या होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार होता है तो विषहीन होता है। यदि पिछला भाग चौड़ा तथा सिर तिकोना होता है, यानी अंगूठे के समान दिखाई देता है, तो यह विषैला सांप होता है, ठीक है। यदि सिर जो होता है, मतलब आप इसका सिर देखेंगे तो इसमें लोरियल पिट का अभाव होगा, लोरियल पिट का अभाव, सिर के सल्क पर लोरियल पिट का अभाव होता है। छोटे सल्क तिकोनी आकृति तो विषैला है, ठीक है। सर्प कौन, पिट विहीन वाइपर भी कहलाता, पिट वाइपर। यदि सर पर लोरियल पिट का अभाव है तो विषैला है, जैसे गोल वाइपर, ठीक है। सिर में छोटे स्केल्स तथा नेत्र में नासा छिद्र में लोरियल पिट का होना विषैला, तथा ये पिट वाइपर इसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। इसके बाद सिर पर बड़े स्केल्स का पाया जाना, लोरियल पिट का ना होना, ये भी क्या कहलाता है, विषैले और विषहीन दोनों के अंतर्गत आता है, ओके। दस क्लियर हुआ। इसके बाद क्या होता है कि हम देखेंगे कि लोरियल पिट क्या होती है,
जो सांप जो होता है कुछ विषैले सर्प जैसे बाइपर आंख तथा नासा छिद्र के बीच में एक क्या पाया जाता है, गड्ढा पाया जाता है जो लोरियल पिट कहलाता है, जो कि क्या बताता है, इसके पॉइजनस होने का कारण बताता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पूंछ का मैंने बता ही दिया कि पूंछ पर पाए जाने वाले स्केल्स कॉडाल कहलाते हैं, पूंछ बेंटल सतह पर स्केल सब कॉडाल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूंछ के आधार पर, तो क्या कहलाता है, जो स्नेक के बारे में मैं बता रही थी कि इसको मतलब कैसे डिफरेंट करेंगे या डिफाइन करेंगे। इसके बाद भारत में पाए जाने वाले कुछ विषैले सर्प जैसे होते हैं, जैसे कोबरा, कोबरा को नजा नजा कहते हैं। ओके, इसके बाद होता मोनोसिलेट, इसमें पाया जाता है ब्रांड पाया जाता है। फिर दूसरा होता क्रैट, क्रैट या इसको कहते हैं बुंगेरस। दूसरा सांप क्या होता है, क्रैट या बुंगेरस सांप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद होता है बाइपर, बाइपर भी अत्यधिक विषैला सांप होता है। इसके बाद आप आ जाएंगे रेसल बाइपर। ठीक है, इसके बाद समुद्री स्नेक, ये सब क्या कहलाते हैं, बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं। विषहीन भारत में पाए जाने वाले सर्प जो हैं, अंधा सर्प जिसे कहेंगे टिप्लॉप्स, दूसरा होता है एक्सिरस जोनाई जिसे दो मुहा सांप कहते हैं, ये भी कम विषैला होता है। फिर होता है ग्रीन हिप्स सर्प। ठीक है, फिर होता है रेड स्नेक। तो ये कुछ ऐसे सांप होते हैं जो विषैले कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्नेक के बारे में। अभी देखते हैं अपन कि स्नेक जो होता है, स्नेक वीनम क्या कहलाता है, सर्प विष। देखिए, कार्बनिक कंपाउंडों का एक जटिल रूप होता है। इसमें क्या, किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये कार्बनिक कंपाउंडों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसे विष ग्रंथियों द्वारा ये स्रावित होता है, इसे वीनम कहते हैं। इसमें 30% विषैली प्रोटीन पाई जाती तथा ये चिपचिपा होता है, जो इसका जहर जो होता है, स्नेक के जहर में 30% विषैली प्रोटीन भी पाई जाती है, ऑर्गेनिक एसिड में घुली हुई होती है। मीन्स क्या होता है कि वीनम का मतलब जहर होता है, और ये जहर जो होता है अगर इसमें पुनः नमक जल का घोल ग्लिसरीन में घुल जाता है आसानी से, ठीक है, ये आग्नेय कंपाउंड का बना हुआ होता है। देखिए, सर्प विष जो होता है, तो विष के काटने के निम्नलिखित का है, जैसे कि अगर विष का क्या क्या प्रभाव होता है, तो विष का प्रभाव जो होता है, सबसे पहले आप देखेंगे कि स्नेक अगर अपन को बाइट करता है तो उसका इफेक्ट सबसे न्यूरोटॉक्सिक, मींस न्यूरोटॉक्सिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट डालता है। दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक, मतलब जो कि हीमोटॉक्सिक यानी रुधिर कैपिलरी जो होती हैं उनको प्रभावित करता है, वो हीमोटॉक्सिस के रुधिर कणिकाओं को प्रभावित करता है, हीमोटॉक्सिक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो इनके अलग अलग स्नेक के काटने से अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे क्रेट बाइपर या क्रेट बीनम के काटने से क्या होता है कि जो ये विषैला, अत्यधिक विषैला सर्फ होता है, इसके काटने से इसका जहर 3 गुना तेजी से फैलता है, तो ये हीमोटॉक्सिक होता है, यानी कि RBC को, हीमोसाइनिन को वो टूटने नहीं देता। ठीक है, तथा ये असहनी दर्द, एब्डोमिनल यानी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मन पेशियाँ पैरालिसिस हो जाती हैं और 6 से 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो कोबरा होता है, कोबरा के काटने का जो होता है श्वसन तंत्र को, पेशी तंत्रों को तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तथा इसके द्वारा भी क्या हो जाता है, पैरालिसिस होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मैंने बताया कि स्नेक वाइट क्या कहलाता है और स्नेक को कैसे पहचाना जाता। ओके, थैंक यू बेटा।